ट्रस्ट लक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले 84 हनुमान मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद 14 करोड़ की लागत से तैयार हुए महालक्ष्मी मंदिर में आरती कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम मोहन यादव के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। इसी कड़ी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर के इस इलाके में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और यह भविष्य में एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सकेगा। ग्वालियर से योगेश बेसारिया की रिपोर्ट। जिले में 84 गांव में महादेव हनुमान जी मंदिर के साथ साथ महालक्ष्मी अष्ट महालक्ष्मी के मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चल रहा है मैं उसमें सम्मिलित हुआ हूँ। इस अवसर पर मेरे साथ यशस्वी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी भी मेरे साथ मौजूद है और ये पूरा धर्म अध्यात्म का एक पूरा क्षेत्र है। आते ही अपने आप लगता है कि हाँ किसी स्थान पर हम आए, एक अति शांति एक ऊर्जा से संपन्न और मन की शांति को बढ़ाने वाला। मैं परमात्मा से कामना करता हूँ कि ये पूरा क्षेत्र हमारा अपना प्रदेश माँ लक्ष्मी सब पे कृपा करें, हनुमान जी सब पे कृपा करें, हम सब अपने देवस्थान धर्मस्थान या यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है और इस वर्ष तो और खास है। जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम का अयोध्या में गर्गरों में प्रवेश हुआ और यहाँ हमारे अपने इस स्थान पर लगता कि यहाँ धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा।